बीएमपी नर्सिंग क्लासेस, अब नर्सिंग हुई आसान। आज पढ़ेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज वन ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। बहुत सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं इंडिया की, उनमें से एक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और जो हमारा देश इंडिया है वो नंबर दो पर आता है। किसमें? पॉपुलेशन में नंबर वन रैंक पर कौन सा है? चीन। ओके, तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो क्यों रहा है, इसके कारण क्या है, क्यों जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और क्यों कंट्रोल नहीं हो रही है, इसके कॉजेज देखते हैं और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है हमारी डेली लाइफस्टाइल में। चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। यदि आप इस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो के लिए एक्साइटेड थे, लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कॉजेज की तरफ। कॉजेज क्या क्या है? पहला है हॉट क्लाइमेट। देखिए दोस्तों, बिकॉज ऑफ हॉट क्लाइमेट ऑफ इंडिया, चिल्ड्रन बिकम मोर मैच्योर इन अर्ली स्टेजेस। जल्दी टीनेज में ही वो मैच्योर हो जाते हैं और जिससे वो बच्चे पैदा करने लगते हैं, कि वो जल्दी शादी कर दी जाती है उनकी। नेक्स्ट पॉइंट है इलिटरेसी एंड अनअवेयरनेस। देखिए, वो पढ़े लिखे नहीं और अनअवेयर हैं कि ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या, उनको पता ही नहीं है इसका हमारे डेली लाइफ स्टाइल में प्रभाव क्या पड़ रहा है, इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उनको पता ही नहीं है इसके बारे में, जागरूक ही नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है कि कितने बच्चे करने चाहिए और किस प्रकार से करने चाहिए, कितना गैप रखना चाहिए, कुछ भी पता नहीं है। और मैरिज कितने वर्ष में करनी चाहिए, कब विवाह करना चाहिए बच्चों का, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। बच्चों को भी नहीं पता कि क्या क्या करना चाहिए और क्या कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती हैं जिनसे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है और इसे हम मन चाहे बच्चे पैदा कर सकते हैं, जब चाहे पैदा कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो ये भी कारण बनता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। नेक्स्ट है पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। अब ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, गरीब हैं, सो उनका एक माइंडसेट होता है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा इनकम सोर्सेज होंगे और जितने ज़्यादा इनकम सोर्सेज होंगे उतना हम पैसे वाले हो जाएंगे और इतनी जल्दी हमारी गरीबी मिट जाएगी। सो ये भी कारण होता है कि ज़्यादा वो बच्चे करते हैं। और नेक्स्ट कॉज देखते हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना कॉजेस। नेक्स्ट है लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी, अब ज़्यादा उनको सिक्योरिटी नहीं है और सोसाइटी में रहते हैं उनको सिक्योर फील नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं कि ज़्यादा बच्चे कर लेते हैं जिससे कि वो समृद्ध बनने की कोशिश करते हैं, कि वो समृद्ध हो गए हैं और किसी से भी लड़ सकते हैं, वो अपने आप को सिक्योर बनाने की कोशिश करते हैं ज़्यादा बच्चे करके। ओके, नेक्स्ट कॉज देखते हैं चाइल्ड मैरिज। अर्ली स्टेज में जब बच्चे शादी हो जाएगी बच्चे की अर्ली स्टेज में, तो क्या होगा, जब जल्दी बच्चे हो जाएंगे तो ज़्यादा बच्चे होने के चांसेस होते हैं और ज़्यादा बच्चे होते भी हैं। पहले के ज़माने में क्या था कि जल्दी शादी हो जाती थी, अब तो खैर खैरियत है कि अब लॉ बना दिया गया है कि अब जल्दी टीनेज में ही आप चाइल्ड मैरिज शादी नहीं कर सकते, चाइल्ड मैरिज नहीं कर सकते। सो शुक्र मनाओ गवर्नमेंट का। एंड पहले के ज़माने में तो ऐसा ही था कि चाइल्ड में ही मैरिज कर दी जाती थी, चाइल्ड एज में ही मैरिज कर दी जाती थी। सर्च ऑफ मेल बेबी। देखिए, अब फीमेल का वैसे तो इस समय तो बढ़ावा दिया गया है, फीमेल को वुमेंस को जो है बढ़ावा दिया गया है कि वुमेंस आगे है और हर फील्ड में भी वुमेन आगे बढ़ रही है और देखा जाए तो वुमेन आगे बढ़ रही है। तो पहले तो ऐसा था नहीं, तो क्या करते थे, अगर लड़की हुई तो मेल बेबी हो जाए, बच्चा हो जाए, लड़का हो जाए, उसके सर्च में उसको उसकी प्राप्ति के लिए वो बच्चे करते जा रहे हैं और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता जा रहा है। सो ये भी एक कारण है। इस समय भी है, पहले के ज़माने में नहीं था, अब भी है। अब भी क्या करते हैं लोग कि एक लड़का हो जाए तो घर का चिराग होता है, घर का नाम रोशन करेगा, अपनी खानदान का नाम रोशन करेगा, इस प्रकार से वो सोचते हैं, उनका माइंडसेट होता है ना, तो इस प्रकार से एक कारण बनता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। नेक्स्ट है सोशल कंपल्सन ऑफ मैरिज। सोसाइटी में हो तो आपको शादी करनी ही है, यदि आपको शादी करनी, आपकी शादी हो गई तो आपको बच्चा करना ही करना है। तो लड़की हो तो मेल हो जाए लड़का हो जाए, इसके सर्च में ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं। ओके, इतने कारण हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के और इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं उनको भी क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, आइए देखते हैं। इफ़ेक्ट्स, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। अब ज़्यादा बच्चे होंगे तो सभी को कितना कितना खिलाओगे, तो अन्न की कमी भी हो जाएगी, अन्न की कमी हो जाती है और सभी को प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से
मॉल न्यूट्रिशन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, कुपोषित हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि ज़्यादा प्रॉपर अमाउंट में उनको न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रही है। शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। नेक्स्ट है पॉवर्टी। जब एक तो ये पॉवर्टी में बच्चे कर रहे थे, दूसरा है पॉवर्टी फिर से आ जाएगी क्योंकि उनको जो खिलाने के लिए चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, सब कुछ उनमें लग जाएगा तो गरीबी आने के चांसेस तो ज़रूर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है इलिटरेसी। अब ज़्यादा बच्चे किस किस को पढ़ाओगे, एक तो गरीबी दूसरे और ज़्यादा बच्चे। अब इस वजह से होता क्या है कि इलिटरेट रह जाते हैं बच्चे, पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ रह जाते हैं। कितनी दुख की बात है, ज़्यादा बच्चों के चक्कर में वो सब अनपढ़ हो जाते हैं। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार हो जाते हैं। अब ज़्यादा लोग हैं, कितने को रोज़गार दिया जाए, अब करंट में ही देख लीजिए कितनी वैकेंसी आती हैं, कितनी कम वैकेंसी आती हैं और कितने फॉर्म फिल किए जाते हैं, समझ रहे ना। तो इस ये भी कारण है, ये भी एक इफेक्ट पड़ता है कि बेरोजगार हो जाते हैं लोग, बेरोजगार हो जाते हैं बच्चे। नेक्स्ट है हाई प्राइस। अब ज़्यादा लोग ज़्यादा संख्या में क्या होता है, एक टुकड़ा है उसको दो लोगों में बांटना है तो आधा आधा आएगा, उसको 10 लोगों में बांटना है तो कितना आएगा। तो उसी लिए क्या किया जाता है, उसका जो दाम बढ़ा देते हैं लोग, और इसीलिए जब ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी, जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, हाई प्राइस पर हो जाएंगे, और जो पॉसिबल नहीं होगा पुअर लोगों के लिए, और जो कॉज बनेगा मॉल न्यूट्रिशन का, कुपोषित होने का। ओके, नेक्स्ट है हाउसिंग प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, रहने की दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट इंक्रीज इन द बर्डन ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। जो भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं जैसे ट्रांसपोर्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो अब सभी के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, सभी के लिए उसमें बर्डन बन जाएगा कि यार किस किस को दिया जाए, तो एक प्रकार से वो टेंशन बन जाएगी सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी। उसमें भी देखिए, अब ट्रांसपोर्ट का ही ले लीजिए, अगर वो ज़्यादा हो रहे हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, सभी के पास ट्रांसपोर्ट है, तो रोड पर क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, राइट ना। और आज के करंट में ही देख लीजिए कितनी पॉपुलेशन हो गई है। नेक्स्ट लो लिविंग स्टैंडर्ड, जिनके रहने का लाइफ स्टाइल है वो लो हो जाएगा, और पॉवर्टी जो कॉज करेगी वो उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाएगी, उनके हाई स्टैंडर्ड को लो कर देगी, अगर हाई भी होगा तो लो हो जाता है उनका स्टैंडर्ड, रहने का लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट है एक्सेस बर्डन ऑन द इकोनॉमी, इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और सभी के पास सही से पैसा नहीं पहुंच पाएगा, तो इस प्रकार से ये इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं हमारी डेली लाइफ स्टाइल पर, इस प्रकार से एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन प्रभावित करता है। और इसके मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को, तो पॉइंट्स मैंने लिखे नहीं, ऐसे बता रहा हूँ। देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दूर हो, इसके लिए पहली बात तो सरकार ने नॉर्म बनाई है कि हम दो हमारे दो, गॉट इट, हम दो हमारे दो, इसको अपनाओ। दूसरा, बच्चे दो हों या एक, फिर आगे लगा दो ब्रेक। तीसरा, जो भी कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं जैसे कॉन्डोम है और कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं और लोगों को भी चाहिए कि उनको यूज़ करें, चाइल्ड मैरिज नहीं करनी है, और जो कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं उनको सही से यूज़ करें। ओके, सो इस प्रकार से आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और लोगों को जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं, जो क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो इसे पिया है वो दहाड़ा है, और आज यदि आप जागरूक होंगे, क्योंकि इसमें कारण था इलिटरेसी एंड अनअवेयरनेस, कॉज था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, यदि वो जागरूक हो जाएंगे तो नहीं करेंगे ना। और महिलाएं जब जागरूक हो जाती हैं, जब पढ़ी लिखी हो जाती हैं, तो क्या सोचती हैं कि यदि हम ज़्यादा बच्चे करेंगे तो हमारा जो बॉडी है वो सही नहीं दिखेगा, वो समय से पहले ही कहेंगी कि हम बूढ़े दिखने लगेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बच्चों में 3 साल का गैप रखेंगे और हम ज़्यादा बच्चे नहीं करेंगे। ये एजुकेशन का ही प्रभाव पड़ता है उन पर, और इसलिए आज की महिलाएं क्या करती हैं, फैशन में रहती हैं और क्या करते हैं, कम बच्चे करते हैं, समझ रहे ना, और उनको ज़्यादा पेन ना सहना पड़े इसलिए सी सेक्शन के लिए जाते हैं, समझ रहे ना, उनके माइंडसेट को पेन ना सहना पड़े।
तो इस प्रकार से एजुकेशन का प्रभाव पड़ता है हमारे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को दूर करने में। सो आई होप यू नाउ हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कॉजेज क्या होते हैं, इफेक्ट्स क्या होते हैं और इसको कंट्रोल किया कैसे जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। IBMP फ्रॉम BMP नर्सिंग क्लासेस सपोर्ट योर ड्रीम्स एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यू आर द बेस्ट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू। धन्यवाद।